आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग क्रिकेट किसी अलग तरीके से बजाते हैं और कुछ लोग अलग स्टाइल से बजाते हैं। क्यों लोग अलग अलग तरह से सेम चीज़ को बजा रहे हैं? आज की इस वीडियो में क्रिकेट का मेन कोर समझाऊंगा कि अगर दूसरे किसी तरीके से बजाए जा रहे हैं उसके पीछे क्या रीज़न है, और अगर नॉर्मल तरीके से बजाया जा रहा है उसके पीछे क्या रीज़न है। क्रिकेट की कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगा जिससे आप क्रिकेट को और बेहतर कर सकते हो, साफ कर सकते हो और तेज़ कर सकते हो। ओवरऑल देखा जाए तो क्रिकेट आज की इस वीडियो में बहुत अच्छे से सिखाई जाएगी। ये वीडियो पूरी देखने के बाद क्रिकेट को आप मक्खन की तरह बहुत फास्ट स्पीड में बजा पाओगे, मेरी गारंटी है। बस शर्त है पूरी वीडियो आगे तक देखनी है, स्किप करके देखोगे इतनी पेशेंस नहीं है तो ये चीज़ें सीखना, म्यूजिक सीखना बड़ा कठिन है, ये तो सालों की पेशेंस चाहिए इसमें। आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग क्रिकेट को इस तरीके से बजाते हैं और सेम ही चीज को इस तरीके से भी, तो ये या क्या फर्क है? सुनने में तो बिल्कुल दोनों बराबर लग रहे हैं, फिर अलग तरीके से क्यों बजाया जा रहा है? सबसे पहले इसी चीज को क्लियर कर देता हूं। आगे बढ़ने से पहले ये देखिए, हम लोग प्रोफेशनल ढोलक बनाते हैं। ये देखिए पुनीत जी के लिए, एक मेरे स्टूडेंट है, उनके लिए ढोलक बनाई गई है, कस्टम मेड डिजाइनर ढोलक है, प्योर शीशम वुड में टोन आप पूरी वीडियो में सुनते ही रहेंगे। किसी को भी ऐसे बेस्ट क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए हमसे जरूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे इंस्ट्रूमेंट्स 5500 रुपये से, 5500 रुपये से स्टार्ट हो जाते हैं, और रेंज प्राइस रेंज तो बहुत आगे तक जाती है, 20,000 25,000 तक, डिपेंड करता है आप किस क्वालिटी की ढोलक ले रहे हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें चाहते हैं। बट साउंड क्वालिटी हमारे बिल्कुल एंट्री लेवल और जो प्रीमियम लेवल है सबकी साउंड क्वालिटी ऑलमोस्ट बराबर रहती है। तो आप अगर ढोलक में इंटरेस्टेड है, ढोलक खरीदना चाहते हैं, प्लान कर रहे हैं, आप एक बार हमसे जरूर कॉन्टैक्ट करके बात कर लीजिए। बाकी आपकी मर्जी है जहां से भी लेनी है, बट एक बार जरूर बात कर लीजिएगा, गाइडेंस प्रॉपरली ले लीजिएगा। और अगर आप ढोलक तबला प्रॉपरली सीखना चाहते हैं हमसे जरूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 1-to-1 आमने सामने बैठकर हम वीडियो कॉल पे क्लासेस देते हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहली चीज है, हर चीज का, हर वे ऑफ प्लेइंग का एक रीजन होता है। ऐसे नहीं है कि मेरा मन किया इस चीज को ऐसे बजा देता हूं, किसी और का मन किया इस चीज को ऐसे बजा देता हूं, नहीं। अच्छा क्या वो गलत बजा रहे हैं या मैं गलत बजा रहा हूं? सब सही बजा रहे हैं, तरीका जो है वो तरीका अडॉप्ट कर रहे हैं क्योंकि उस तरीके के पीछे वजह है कोई। देखिए अब समझिए बात को, देखिए अगर मैं सेम चीज को ऐसे बजाऊं, तागे तेरे किट तक तक तेरे किट तक तेरे किट तक तक तेरे किट, और सेम चीज को बजाऊं, तागे तेरे किट तक तक तेरे किट तक तक तेरे किट तक तक तेरे किट, अब आप बताइए कुछ फर्क है इसमें? ऑलमोस्ट निगलिजिबल, ठीक है, बिल्कुल सेम ही है। फिर भी दो तरीके से क्यों बजाना है, वजह है। वजह यह है, सबसे पहली अगर आप इस तरह से बजाते हो, ता घे तेरे किट तक तक तेरे किट तक तक तेरे किट तक तक तेरे किट, इस वे ऑफ प्लेइंग में एक छोटी सी प्रॉब्लम यह है कि आपने बजाया ता घे ती र पी ट त क एंड त क। अब अगला है तेरे किट, तो ये तक बजाने के बाद आपको ये नीचे वाली उंगली उठाकर तेरे किट पे लानी पड़ेगी। जो मैं रिकमेंड करता हूं, ता घे तेरे किट तक तक, तेरे किट के लिए ये उंगलियां फ्री है ऑलरेडी, तेरे किट तक तक फ्री है, अगेन तेरे किट, दूसरे तरीके से ता घे तेरे किट तक तक, अब तेरे किट के लिए ये उंगली ने अभी तक बजाया है, इसको उठा के जाना पड़ेगा वहां पे, टाइम लगेगा। तो देखिए अगर आपको कंफर्टेबल लगे तो आप इस तरीके से भी बजा सकते हैं, या फिर इस तरीके से बजाइए, दोनों सही है, गलत कुछ नहीं है। मेन डिपेंड करता है कि आपको कंफर्टेबल कौन सा लग रहा है, किसको आप ज्यादा कमांड से बजा पा रहे हैं, ठीक है। पहले ये चीज समझ आ गई। अब तिरकिट को साफ कैसे करना है, क्लियर कैसे करना है, फिर लास्ट में बताऊंगा तेज कैसे करना है। देखिए तेरे किट चार बोलों का कॉम्बिनेशन है, ती र और की ट, चारों के चार बोल अंदर के बोल है, इसका मतलब दबे हुए होने चाहिए, और हमेशा टिप से बजाने हैं, अंदर के बोल दबे हुए होने चाहिए, मतलब कि ऐसे बाउंसी ना हो, चिपके हुए और दबे हुए हो, ठीक है। इसको जब आपने बजाना है तो ज्यादा अंदर नहीं बजाना है, सेंटर में, या ज्यादा नीचे नहीं बजाना है, बट बाहर भी नहीं बजा सकते, खुली आवाज आएगी, तो सही पोजीशन हाथ की, यहां मिड पोर्शन में।
अब देखिए मुझे हाथ कहीं मूव नहीं करना पड़ रहा, अगर मैं अंदर बजाऊं तब, अंदर बाहर करना पड़ रहा है, मैं कभी भी ना ही तेज आवाज पाऊंगा और ना ही कभी इतनी क्लैरिटी आ पाएगी। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज पोजीशनिंग। आराम से बजा पा रहा हूं क्योंकि जगह सही बजा रहा हूं। ठीक है, टिप्स यूज करनी है। टिप्स अगर ना यूज करो, कई बार क्या होता है, आपने अपनी तरफ से बजाया बट इस जगह से बजाया, हवा में ही हाथ निकल जाता है। अगर इस तरीके से बजाया, हमेशा टिप्स यूज कीजिए इन जगहों से बजाना, हाथ हमेशा हल्का हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कलाई। कुछ स्टूडेंट्स ना सिर्फ उंगलियों से बजाते हैं ऐसे, आपका क्लियर नहीं सुनेगा क्योंकि एक तो आपका हाथ हार्ड है और आप कलाई यूज नहीं कर पा रहे हो। कलाई यूज होगी तो हाथ ढीला खुद ब खुद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मेरी कलाई यूज कीजिए, कैसे रोल कर रही है, और ये खुद नहीं मैं कर रहा, खुद ब खुद हो रही है। ढीली छोड़नी है हमेशा कलाई। ठीक है, कलाई यूज करनी है स्पीड बढ़ाने के लिए। एक तो पहला जो मैंने बताया था, पोजीशनिंग ठीक हो, अंदर बाहर करेंगे ऊपर नीचे करेंगे तो समय खराब होगा। दूसरी चीज, स्पीड बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है आप धीरे धीरे बढ़ाएं, एकदम से ना बढ़ाएं। फॉर एग्जाम्पल एक एक्सरसाइज भी नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। धा तेरे किट तक तेरे किट तक तेरे किट तक तेरे किट धा तेरे किट तक तेरे किट तक तेरे किट तक तेरे किट। अब सबसे बड़ी गलती हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना तेज भाग जाते हैं। पहले ही अटेम्प्ट में बजाएंगे हम धा तेरे किट तक तेरे किट तक तेरे किट तक तेरे किट धा तेरे किट तक तेरे किट तक तेरे किट तक तेरे किट। वाई आप इसको स्लो डाउन कीजिए तभी आप एक्यूरेसी अचीव कर पाओगे। जैसे कि धा तेरे किट तक तेरे किट तक तेरे किट तक तेरे किट ता तेरे किट तक तेरे किट तक तेरे किट तक तेरे किट। कुछ दिन इसी स्पीड पे बजाते रहिए, फिर धीरे धीरे करके आप स्पीड कुछ इस तरीके से बढ़ाओगे। ता तेरे किट तक तेरे किट तक तेरे किट तक तेरे किट ता तेरे किट तक तेरे किट तक 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 तेरे धा तेरे किट तक तेरे किट तक तेरे किट तक तेरे किट ता तेरे किट तक तेरे किट तक तेरे किट तक तेरे किट धा तेरे किट तक तेरे किट तक तेरे किट तक तेरे किट ता तेरे किट तक तेरे किट तक तेरे किट तक तेरे किट धा तेरे किट तक तेरे किट तक तेरे किट तक तेरे किट ता तेरे किट तक तेरे किट तक तेरे किट तक तेरे किट तक तेरे किट। आराम से धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप स्पीड बढ़ा सकते हैं लगेगी। कोई भी दिक्कत परेशानी हो कमेंट करना मत भूलिएगा, बताइए हमें, हम आपके आपकी हेल्प करेंगे, डेफिनेटली आपके लिए वीडियो बनाएंगे। अगर इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट हो या प्रॉपर वे में सीरियसली म्यूजिक को सीखना चाहते हैं, हमसे जरूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आगे की वीडियो के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।